गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुनील जरवाल, क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट और चैप्टर 6 चल रहा है हमारा। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंथैल्पी की। टॉपिक हमारा आज का रहेगा एंथैल्पी। तो एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी है जो ऊष्मा है, स्थिर दाब पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, निकाय की जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर निकाय की ऊष्मा में जो परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक नया फलन दिया गया और उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब देखिए एंथैल्पी जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन इसका गणितीय रूप निकालेंगे। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? du बराबर q माइनस p del v, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। ठीक है, अगर यहां से हम q निकालें, यहां से अगर हम q निकालें तो क्या हो जाएगा? q बराबर ये प्लस में आ जाएगा del u प्लस p del v। आई की बात समझ में हो जाएगा प्लस में। अब देखिए अपन यहां पे P, ये हो जाएगा आपका V2 माइनस V1। आगे बात समझे भाई, परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब देखिए अपन इस चीज को ऐसे भी स्थिर दाब है, दाब स्थिर है, स्थिर दाब पर दाब स्थिर होगा तो ऊष्मा तो अवशोषित करा उसने, जितना परिवर्तन उतना ही ऊष्मा अवशोषित करा है।
लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता। तो बस फिर हम क्या करते हैं, ये एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, इसलिए इसलिए इसमें हम कर देंगे डेल एस इक्वल टू डेल यू प्लस बी स्थिर है, इसके आगे डेल नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है स्थिर है, दाब क्या है स्थिर है, और इनमें तो परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन होता है, इसलिए इसके आगे भी डेल वी लगता है। तो ये आपका एंथैल्पी समीकरण आ गया डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर? आगे समझो, अगर डेल यू स्थिर कर दिया जाए तो उस पर अवशोषित ऊष्मा जो डेल एच स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है, जबकि डेल यू क्या है स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। देखो ये जो डेल एच है वो स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है, डेल यू भी क्या है डेल यू भी अवशोषित ऊष्मा है, ठीक है। लेकिन अगर दाब स्थिर है तब हम इसको डेल एस से प्रदर्शित करेंगे, और अगर आयतन स्थिर है तब अपन उसको डेल यू से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल यू स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। अगे बात समझे, और डेल यू जो हमारे स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है उसको उत्सर्जन होता है, ठीक है, और ऊष्मा शोषी के अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहां निकाय है, निकाय में क्या होगा, अगर निकाय के अंदर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो कैसा प्रकरण हो जाएगा, ऊष्मा क्षेत्र, और अगर निकाय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा देखो ऊष्मा ऊष्मा क्षेत्र का मतलब ऊर्जा निकाल रहा है, निकाल रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी तो इसलिए डेल एच का मान क्या आता है, यहाँ पे इसके लिए डेल एच का मान क्या होता है नेगेटिव माइनस में, और अगर ऊष्मा शोषी है तो इसके लिए माइनस इसके लिए डेल एच का मान क्या होता है पॉजिटिव। आगे बात समझे, ठीक है। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ठोस द्रव में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, ठोस और द्रव है तो उनमें आयतन परिवर्तन नहीं होगा। अगर निकाय के अंदर ठोस पदार्थ है या द्रव पदार्थ है तो हम जानते हैं ठोस और द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित रहता है, इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन परिवर्तन परिवर्तन नहीं होता, इसलिए डेल वी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ठोस और द्रव है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्तृत गुण और गहन गुण। देखिए विस्तृत गुण और गहन गुण क्या है, विस्तृत गुण का मतलब है जो ऐसे गुण भर
किस पे डिपेंड करते हैं? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को विस्तृत गुण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मात्रा पे डिपेंड करने वाले यहां एग्जाम्पल से पता चल रहा होगा आपको, ये एग्जाम्पल है, यहां पता चल रहा है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। कम मात्रा लोगे तो द्रव्यमान कम आएगा, ज्यादा मात्रा लोगे तो द्रव्यमान ज्यादा आएगा, है नहीं? अब देख देखो कि एक गिलास में आप चीनी डालें और एक बाल्टी के अंदर चीनी डालें तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? बाल्टी का होगा, बाल्टी में जो चीनी है उसका। क्यों? क्योंकि उसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो द्रव्यमान है वो मात्रा पे डिपेंड कर रहा है, कि तरह कर रहा है। इसलिए ऐसे गुण को विस्तृत गुण बोलते हैं। इसी टाइप से आयतन है, गिलास का आयतन ज्यादा होगा या बाल्टी का होगा? बाल्टी का, क्योंकि उसमें पदार्थ की मात्रा क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की संख्या, अणुओं की जो ऊर्जा है उसको आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। निकाय के अंदर जो अणु की ऊर्जा है, अब निकाय के अंदर अणु बहुत सारे हैं, यानी मात्रा ज्यादा है, ऊर्जा भी ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी गुणधर्म जो है, ये सभी गुणधर्म जो है पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको विस्तृत गुण बोलते हैं। ठीक है। और गहरे गुण का मतलब है जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करते, यानी ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। हां, लेकिन प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति किसी पदार्थ की, यानी ये गुणधर्म ऐसे हैं जो पदार्थ की मात्रा पर तो निर्भर नहीं करते, लेकिन जो पदार्थ की प्रकृति है उस पर डिपेंड करते हैं। यानी अलग अलग पदार्थ के ये गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन मात्रा पर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे टेम्परेचर रूम में रखा हुआ जो गिलास है उसमें पानी भर रखा है आपने, और एक बाल्टी में भी पानी भर रखा है आपने, उनका आप टेम्परेचर नोट करें, दोनों का बराबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बाल्टी ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा, है कि नहीं? समुद्र में बहुत सारा पानी भरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है ये किस पे? प्रकृति पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, ना कि पदार्थ की मात्रा पे। इसी तरह से है घनत्व, पानी चाहे यहां का ले लो, चाहे नल का ले लो, चाहे कुएं का ले लो, मैं शुद्ध पानी की बात कर रहा हूं। समुद्र का पानी में बहुत सारे लवण होते हैं, वहां पे घनत्व में फर्क आ सकता है। ठीक है। शांता, तो शांता भी जो है गिलास में भरा हुआ जो पानी है, बाल्टी में जो भरा हुआ पानी है, दोनों की शांता बराबर रहेगी। शांता मतलब पहले का गुणधर्म जो है पदार्थ का, लेकिन ये प्रकृति पे डिपेंड करता है। प्रकृति यानी पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे शहद और पानी दोनों को कंपेयर करें तो शहद आपको पता है धीरे बहता है, पानी तेजी से बहता है, तो यहाँ पे शांता में फर्क है। तो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करते हैं, ऐसे गुण को गहन गुण बोलते हैं, और जो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, ताप, घनत्व, शांता, पृष्ठ तनाव आदि। क्लियर। तो दो प्रकार के गुणधर्म हो गए पदार्थ के, विस्तर और गहन गुण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्स का मापन। डेल यू वह डेल एच का मापन। तो देखिए, अगर हमें किसी पदार्थ की डेल एच स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और डेल यू स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है, और इनको अपन को ज्ञात करना है, तो अपन जो है बम कैलोरी के द्वारा इनका इनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें उसकी ऊष्माधारिता पहले से पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि किसी भी पदार्थ की हमें किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा हमें ज्ञात
तो हमें उस पदार्थ की ऊष्माधारिता पहले से पता होनी चाहिए। अगर ऊष्माधारिता पता है तो हम बम कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेल यू का मापन। ठीक है, डेल यू के मापन के लिए हम किस प्रकार का एक बम कैलोरीमीटर होता है, बम कैलोरीमीटर से जो है डेल यू का मापन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम अगर आप माइंड में उठा दीजिए क्या है, देखिए इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई है, उसके बाद में काम कैसे करता है ये आपको करेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो चारों तरफ से खोल से बंद बॉक्स है एक तरह से, ठीक है, ये कॉपर या स्टील का बना हुआ पात्र होता है, कॉपर या स्टील, ठीक है जी, कॉपर या स्टील का बना हुआ ये एक पात्र होता है। और इस पात्र के अंदर देखिए एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, इसका नाम है बम स्टील पात्र, बम स्टील पात्र, बम और स्टील का बना हुआ पात्र है। यहां पे स्टील की जो लगा हुआ है प्लेटिनम का कप है, प्लेटिनम धातु का बना हुआ एक पात्र है, छोटा सा बर्तन कप बोल दीजिए, कटोरी बोल दीजिए, प्लेटिनम धातु का बना हुआ कप है, ठीक है। यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, फायरिंग लिंक कनेक्टेड है वायर से, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा विद्युत धारा चिंगारी ऊपर हो गया, तो ये फायरिंग लीड है, इलेक्ट्रोड्स है ये दो, और ये विलोटक, ये विलोटक जो है फैन लगा हुआ है पंखा, जो एक बम कैलोरीमीटर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करवा रहे हैं, उस ऑक्सीजन को तेजी से जल के अंदर मिक्स करता है, घोलता है। और यहां एक थर्मामीटर है जो तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाएगा। अब हमें इससे डेल यू का मापन कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इस डेल यू के मापन के लिए हमें इस बम कैलोरी नीति की ऊष्मा धारिता पता होनी चाहिए पहली चीज को। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि थर्मामीटर लगा के ऑक्सीजन प्रवेश करवा के नॉर्मल इस जल और इस बम कैलोरीमीटर, मतलब इस जल और बम कैलोरीमीटर का ऊष्मा धारिता क्या है, टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, मतलब तापमान कितना है वो पहले ही और ये नोट कर लेंगे थर्मामीटर की सहायता से, ठीक है जी। अब हमें दोबारा से यही प्रयोग क्या करना है, दोहराना है, वापस से यही प्रयोग दोहराना है, लेकिन इस बार हम यहां पदार्थ ले लेंगे जिस पदार्थ की ऊष्मा धारिता ज्ञात करनी है, जिस पदार्थ की ऊष्मा परिवर्तन हो गया,
और मोलर द्रव्यमान एम है तो यूवी बराबर सी डेटी एम रो एन किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा फॉर्मूला, इससे गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है बम कैलोरीमेट्री की सहायता से किसी भी पदार्थ की ऊष्मा धारिता वो अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं स्थिर आयतन पर। अब देखिए इसमें हम मापन कर रहे हैं डेल एच का, डेल एच का मापन का मतलब हो गया स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। तो इसके लिए हम कुछ इस प्रकार के पात्र लेते हैं और ये पात्र ऊष्मा रोधी होता है। ऊष्मा रोधी मतलब बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। ऊष्मा रोधी पात्र होता है ये पॉलीस्टायरीन का बना हुआ। ठीक है, इस पात्र के अंदर अपने अभिक्रिया मिश्रण ले लिया जिस पदार्थ का ज्ञात करना है और ये थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे अपन टेम्परेचर नोट करेंगे। तो अब अगर हमें उस पदार्थ की स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारित अवशोषित ऊष्मा यानी कि डेल यू अगर ये पहले से पता है, ठीक है, इस पदार्थ की अगर ये डेल यू पहले से पता है तो हम इस समीकरण द्वारा डेल एच का मापन कर सकते हैं। कैसे? डेल यू जैसा कि मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। डेल एन ये तो आपको पता होगा ही, मोलों की संख्या कितने मोल आपने लिए, क्वांटिटी कितनी ली, वो रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डेल यू और डेल एच